लगता है पूरे सिटी के अक्रॉस ही बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर्स हैं। अल्तारे देला पत्रिया, बिल्डिंग तो बहुत मस्त मस्त है, लेकिन ये ऑफ सीजन में भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट है, इतनी भीड़ है कि क्या बताऊँ। हाँ, सोच रहा हूँ अब थोड़ा वॉक ही कर लेता हूँ सिटी में, कोलोसियम चला जाता हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। बाप रे कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ की बिल्कुल आदत नहीं रही अब। पुराने समय में बहुत ज़्यादा सुंदर शहर होगा ये, अभी भी है नो डाउट, बट अभी तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से थोड़ा अलग हो गया ये। यहाँ पे रुइंस देखो, पुराने पिलर्स ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग हुआ करती होगी। पूरा रुइंस है ये, अच्छा तो नहीं हुआ होगा यहाँ पे, दूर दराज में भी देख सकते हो, और मैं बाकी सिटी में भी बीच बीच में देख रहा था, टूटा फूटा काफ़ी कुछ कुछ है यहाँ पे। एक बात बहुत अच्छी है कि आज सनी है, काफ़ी पिक्चरेस्क लोकेशन है, मतलब आओ पिक्चर्स खींचो ढेर सारे भर भर के। और भी रुइंस है यहाँ पे, हम्पी जैसी जगह लगती है यार ये तो पूरी। एक चीज़ मेरे को थोड़ी ख़राब लग रही है अभी कि ये ऐसी जगह है रोम, मेरे को लगता है कि आके तुम बैठो दोस्तों वगैरह के साथ और अच्छे से पढ़ो किस जगह पे क्या हुआ था या क्या सिग्निफिकेंस है उस जगह का, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करो ऐसी जगहों पे। मतलब कोई क्यों नहीं बैठना चाहेगा इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन पे, और हनीमून पे भी आ ही सकते हो, बढ़िया एकदम मस्त पेड़ है यहाँ के। बहुत दिनों बाद हरियाली देखी क्योंकि सब रूखा सूखा है यहाँ यूरोप में तो। एक गाइड करने का मन कर रहा है यार, जो मेरे को थोड़ा डिटेल में बता सके किस किस जगह पे क्या क्या है, लेकिन ये यूरोप है, यहाँ मैं गाइड अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को।
यार वॉकिंग तो मेरे को भी करना चाहिए था, पर मोस्टली इटालियन में दिख रहे हैं और मैंने उतना रिसर्च नहीं किया है कि वॉकिंग टूर कहाँ से करना है, कैसे करना है। इटालियन भी चल रहे हैं, कोई तो फेस्टिवल वगैरह भी है आज सिटी में। मैं शाम को देखूंगा अगर वो एक्सप्लोर कर पाऊँ तो। हॉस्टल में एक बंदी मिली थी, वो बता रही थी यहाँ पे तो क्या प्रोटेस्ट चल रहा है क्या यूक्रेन वाला, आई गेस। कोलोसियम